और केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बाल्याण ने लघु सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की है, उनसे संवाद किया। इसके बाद आपको बता दें, कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की गई है और उनको संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के सभी जरूरतमंद लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है, जिससे वो सुविधाजनक जीवन जी रहे हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में बोलते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अपनी मर्जी है, वो जहां चाहे घूम सकते हैं, चाहे वो यात्रा करें या कहीं भी जाएं, इससे उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि इसका कोई लाभ कांग्रेस को नहीं होने वाला। कुछ जगह अधिकारियों का सहयोग रहता है, कर्मचारियों का, विशेषकर निचले स्तर का, चाहे सेक्रेटरी पटवारी स्तर पर, और कई जगह सहयोग नहीं रहता। उसी बात के लिए आए हैं, कम से कम जो सरकार की योजनाएं ढंग से नीचे पहुंचाई जाए और ईमानदारी से पहुंचाई जाए, उसमें कहीं किसी गरीब को दुखी ना होना पड़े। अगर एक गरीब दुखी होकर सरकारी योजना का लाभ लेगा तो सरकार के प्रति अच्छी भावना है उसकी, नहीं रहती। यही बात हुई है कि भाई क्या क्या समस्या है और इन समस्याओं का हल करने का हम और अरविंद शर्मा जी मिलकर कर प्रयास